अरे
कंगोर पटक दूंगा उसके सामने, हाथ जोड़ दूंगा, मेरे बस का नहीं है। क्या होगा, दो दिन नाराज रहेगा, फिर मैं उसके घुटनों पे हाथ रख के बना लूंगा। अब तुम हमें कहाँ देखते हो शंकर, भाई
अरे बॉब आ रहा है, बैग ले जाए। बैग? भाई बैग की प्रभात फेरी नहीं कर सकता। वाह भाई, अरे बैग की जरूरत कहीं भी पड़ सकती है, और सीमा में प्रहार कहीं भी पड़ सकता है भाई। और सुगन अपनी जबान बंद रखा कर, अपने मुद्दे पर मेहता जी के मुद्दे बोले चले जाना। क्या काम है? यही पूछा ना कि बैग नहीं लाए। भैया मैंने ये तो नहीं कह दिया ना कि मेहता जी ने सेठी से 50,000 का बीमा लिया या नहीं लिया। अरे मेहता जी आप इसकी बात तो सुन छोड़ा करो, ये तो यूं ही भोगता रहे। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि मेहता जी ने टिकट देने का वायदा किया। अरे टिकट देने में आप दिया प्रांतीय कमेटी को, सिफारिश जिला कमेटी करे। अब ये प्रधान और मंत्री कोई फैसला लेते हो तो अलग काम, पर वो काम आप करने नहीं दे समझे। प्रधान और मंत्री सुन रहे हैं तो सुने, जिस दिन बड़े बड़े ठेकेदारों को टिकट मिलने लगा ना, कम से कम की कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। तुम ना समझे, काम की बात करो, ये फालतू की बकवास करने का वक्त नहीं है। नेता जी मैं आपसे बात नहीं कर रहा समझे। इतने कांग्रेसी आप है तो मैं भी सालाना चालानी चंदा देता हूँ, हाथ की कच्ची बुनी खादी पहनता हूँ और चरखा भी काटता हूँ। ये धोखा काम नहीं करने देगा। ये कैसे कैसे लोफर भरे आपने कांग्रेस में? मैं यदि लोफर हूँ ना तो आप सोते हैं, मेरा मुंह मत खुलवाइए समझे। अरे से आ सकते सब जानता हूँ। एक बात और सुन लीजिए, जो नाम में कुमार रखना अच्छा नहीं होता। कांग्रेस में भी रहेंगे, हिंदू सभा में भी रहेंगे। सुन ले शंकर, अगर दंगा हो गया तो तू मुझे बचाने आएगा? मेरा घर नाले के पास है और वहां का सारा इलाका मुसलमानी है। अगर चाकू मारने वाला है तो मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं कांग्रेस में था या हिंदू सभा में। और अगर चाकू मारने वाले आए तो तू मुझे बचाएगा, तेरे बाबू मुझे बचाएंगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ मेहता जी, क्या बकवास की जा रहे हैं आप लोग? मेहता जी अंदर आइए, चलिए। भाई मेहता जी देखिए, मैं रामदास पहुंचा है अपने देशराज, आज की प्रभात फेरी में मुझे अच्छा करने वाला होना चाहिए कि नहीं? और जो लोग जिला कमेटी से हम थोड़ा बातें उन्हें कम से कम मत कराना चाहिए। देख लीजिए ना बख्शी जी, जब हम प्रभात फेरी शुरू कर देंगे और 2-3 दरिया पार कर जाएंगे, तब कहीं जाकर आएगा वो रामदास, कहेगा मैं क्या करता, बछड़ा दूध पी गया था। खैर छोड़िए, तुम शुरू करो तस्वीर। जनरल तकरीर करो भाई, तकरीर करो। प्रभात फेरी शुरू होने से पहले तो तकरीर होनी ही चाहिए। अरे भाई कश्मीर ये क्या कर रहे हो यार, अगर तुम नहीं चाहते प्रभात फेरी तो वैसे कहो। कोई मेरा मुंह बंद नहीं कर सकता। साबर, अश्विना, उतारो यहाँ से। ये सुबह सुबह में तमाशा दिखाने आया ना साबर? मैं आप दोस्त के साथ करना पड़ता है। कितने आप कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने देश के साथ विश्वासघात किया है? जो सभा तुमने 1929 में राजनीति के किनारे ली थी, उस पर मैं कितने तक काम करेगा? ज्यादा बपता लेता हुआ नहीं कहूंगा कि कोई वर्गला पैदा नहीं हुआ जो कांग्रेस के उसूलों के खिलाफ आपत्ति कर सके। ये बेटा जी किस चीज की मुझे आज अरे हमें जब निकल के आने के पिछले कश्मीरी लाल संते लाल और चीफ सिंह के चक्कर में आओ सब निकल गए। आगे की कोशिश करेंगे तो चीफ पकड़ लेगा। आप लोग चिंता ना करें, 2-3 बार तालियां बजा खुद अब खुद वो नीचे आ जाएगा। पहुंचाया था कुछ अभी सुबह ले गया था।
पांच डेगचे, 12 झाड़ू, 3 गैती, 5 कढ़ाई, ये सब छह खान के घर में रखा है। हमें तो किसी ने नहीं बताया। अरे भाई कचरी बात, इसीलिए तो मैं वहां से भागा रहा हूँ। जब पहले आया था तब यहाँ कोई नहीं था। मास्टर जी आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? खांसी ना आने साहब को वहां तो नालिया है ही नहीं। अरे भाई है क्यों नहीं? लक्ष्मी नालिया है पक्की नहीं। लक्ष्मी नालिया है इसमें परसों पहले तक की जमा हुआ, उसे कौन सा करेगा? अरे हम करेंगे। नालिया साहब कच्चा हो तुम, तुझे कच्चा हो। एक मिनट चले भाई बख्शी साहब, कभी कोई फैसला कभी कोई फैसला। जब ये गोसाई जी ने कल रात को फैसला कर लिया था तो हमें क्यों नहीं बताया? ब्राह्मणों के हाथों में भी जादू उठवा दी गांधी महात्मा, जो कदम हो रहा है। भाई बख्शी जी मैं नाली वाली साफ नहीं करना। क्या बोल दूं? क्यों भाई तुम्हें कौन सा सुखात के पट लगे हैं? कैसी बातें कर रहे हो बख्शी, मैं बड़ा मास्टर होकर नाली साफ करूंगा। अरे भाई जब गांधी जी अपने हाथों से अपना शौचालय साफ कर सकते तो हम और तुम मिलकर नाली साफ नहीं कर सकते? देखिए बख्शी मैं झूठ नहीं कहता, मैं झुक नहीं सकता। कमर में दर्द उठता है भाई, अब मुझे पत्नी की शिकायत रहती है। जिसमें राय का सामने पानी करनी हो उसमें दामिनी, उसमें खेल नहीं होती। पत्नी की शिकायत उसमें दामिनी काम करनी हो तो पत्नी की शिकायत हो गई। अरे मास्टर जी हमें सिर्फ प्रचार करना है। अरे भाई सचमुच की सफाई थोड़े ना करनी है। मैं नालियां साफ करूंगा और आप पढ़ाई में कूड़ा उठा देना। बस बोलो भारत माता की। अरे कश्मीरी वो क्या वो सुन है। अपना कश्मीरी किसी से कम है क्या? तू भी सर पर लाल करके लगवा ले। भाई बख्शी जी मैं तो कहता हूँ इसे भी एक लाल टोपी दे दो, पूरा ही मुर्गा लगेगा। भाई बिना करली के ये मुर्गा नहीं लग सकता। वो शंकर ये तामीरी काम हमारी देशभक्ति का निशान है। खादी पहनकर हाथों में झाड़ू लेकर हम जब लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग तुम्हें और अपने अपना समझते हैं। लोगों का ध्यान तामीरी काम की तरफ दिया और देशभक्ति। जब से ये तामीरी काम करने लगे है ना तब से आंदोलन ठप हो गया है। चलो शुरू करे मेरे गले में थोड़ी खराब है। पथरी की शिकायत पर बात मेरी शुरू करने से मैं गले में खराब जी।
भाई सुबह सुबह इन लोगों की नमाज का वक्त होता है। बस बस मत जाइए। अरे कुछ बताओ तो हुआ क्या? वह उस गली के बाहर
कहां वो मस्जिद के पास? हाँ हाँ, मस्जिद के सिरे पर किसी ने सुमार मारकर फेंक दिया है। सूट चला, निकल चला यहाँ से। रिचर्ड से बात करके शहर में पहुंचे नदवाजी, या फिर उससे कहूं शहर में कर्फ्यू का ऐलान करे। इतनी छोटी सी बात के लिए कर्फ्यू लगा देना ठीक रहेगा? यही ठीक रहेगा मेहता जी, आसार बहुत बुरे हैं, लगता है कि शहर पर चीलें उड़ेंगी। Oh!
तब भी तनाव हो जाता, अगर वो तनाव मिला तो हो जाता जिंदगी फिर अपनी गति चलने लगती। आज का वाकया भी उसी घटना के तनाव, सारे शहर में इसी घटना के मुतालिक बातें हो रही। शहरों के शहर तबाह हो जाएंगे।
इंतजार कर लें भाई, फिर ये मौका मिले। चलो
देख तू ऐसा ना किया कर, मेरा दिल टूट टूट रहा था, मैं सोचू तू गया तो कहाँ गया, अब ये कोई तरीका है, परेशान करके रख दिया मुझे। ये क्या संग रख है, कानों में फूलों का बजरा, किसके पास गया शराब पी है, हंसता ना था क्यों नहीं, जब शराब पी था हाथ साफ होता
करता है उसे खुदा भी कुछ नहीं कहता। इज्जत की रोटी खाना, you
मुझे मुराद अली ने कहा मैंने कर दिया। किस काम के लिए मुझसे ये सब करवाना? मस्जिद के सामने पेटियां भी छू गया था। चक्रे पर लाद कर ले गया। हमें तो मुसलमान है, अरे वो कैसे ले गया? ईसाई है, इससे ज्यादा है। ये बहुत बड़ा काम किया। Thank you.
साफ होता है ना, भगवान जी कुछ नहीं कह रहे, हमारा दिल तो साफ है, हमें किसी से डर क्यों होने लगे। मुझसे सब बताया लेकिन डेरे में और किसी से जैसे ही यहाँ वैसे वो वहां गया, मेरे को बचाया था।
चलो। वो पास में रहती है और वहां गुरुद्वारे में बड़ी संगत है, अपने लोगों का आशीर्वाद है जी। Thank you.
रहा है। अल्लाह की दरगाह में तो सभी को जाना है, अब खड़ी क्यों है?
किसी भी तरह रोक लो।
सत्रवे ने अंदर छुपा दो। आओ हरनाम सिंह आओ, निगाह का लिहाज है हरनाम सिंह, नहीं तो जो सुलूक काफिरों ने शहर में किया खुदा कसम उसे याद करते ही खून खौल उठता है। मुझे नहीं पता था तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। Thank you.
کر دی گئی تھی اور مسلمانی کی ساری علامتیں کے بارے میں بتائیے مالی نقصان
निकाल तो बांध के लगा बताइए। मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी कीजिए। माल बरामद करवाना है। देखो ये बरामदगी का काम देवराज जी देखते हैं, कड़ावा सोना निकालने का काम, कपड़े लत्तों का काम सब वही संभालते हैं। आप ऐसा कीजिए उनके पास तस्वीर चाहिए। चलिए चलिए मेरी गल सुनो साहब जी। साहब जी कोई इंतजाम होना कहां जाना, मैं भी कहां जाना है साहब जी, तो उसका क्या भी साहब जी जी क्यों मेरे पीछे कर दो। मैंने कहा ना जिस दिन जाएगी तो मैं खबर करवा दूंगा। साहब जी मेरा काम हो जाएगा साहब जी। कोई ये मेरा काम नहीं है, मैं आपका मुंह मीठा करा दूंगा साहब जी। लाल जी कुएं में 2700 डूबी है समझे, उनमें से कैसे पहचानोगे कि तुम्हारी घरवाली कौन सी है? हाँ ये तुसी मेरे पे छोड़ दे प्लीज, मैं कड़े देख कर पहचान लूंगी। पांच तोले का एक कड़ा है, केले भी सोने की जंजीरी इन्हीं कुएं में डूब गई, जो सबके साथ हुआ भाई मेरे साथ हुआ, इन्हीं कुएं में डूब गई। पर कड़े और जंजीरी कैसे छोड़ सब्जी, जो भरवा दो तो तुम्हें भी पीछे फंसा दी और किसी को पता भी ना चले। सरदार जी लाशें खोलकर ऊपर तक आ गई होंगी, उनकी भी लाशों बड़े उतरवाओगे तो छक्कर की बात क्या करो, क्या सरकार तुम्हें ऐसा करने लगी? क्यों जी, दिल्ली मेरी, माल मेरा और अपने पैसों से बनवाया मैंने, किसी की लाश चोरी तो नहीं किया। सरकार दवाइयां मांगेगी, पूरी लाशों को पहचानना आसान बात होती है। साथी ये तो आपका काम है, आपको मुझे मीठा में होगा, आपके मेरा काम कर दो साथी। देखो मैं जिंदगी भर ऐसा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आंकड़े इकट्ठे करता हूँ। मैंने तुम्हारी पत्नी के कड़े और तंजीरे दर्ज कर दिए हैं, बाकी बराबरी का काम देवराज जी करते हैं, तुम ऐसा करो उनके पास। साथी नाराज मत हो साथी, साथ ले लो साथी, 80 ले लो साथी, मेरे काम कर दो साथी, मैं जिंदगी भर ऐसा नहीं करूंगा साथी। लेकिन पागल नहीं,
महाराज जानते हैं उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि अगर कोई उसके ऊपर हमला करेगा तो क्या करेगा। भक्ति जी आपकी बात मेरे दिमाग में नहीं पले पड़ती, मैं जा रहा हूँ। सुनो भक्ति, मुझे खबर नहीं है। आज का क्या जोड़ निकाला साहब? गांव नूरपुर के कुछ आंकड़े करते हैं। आने वालों की संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है, कितने हिंदू सिख हैं उतने ही मुसलमान। एक काम और करिए, अपने इस रजिस्टर के पन्ने में खाना और जोड़िए कि मरने वालों में अमीर कितने थे और गरीब कितने। इसमें क्या दुख है? अरे साहब तुम हर बात में अमीर गरीब को क्यों गजीबता? जी नहीं, बात असल में वो नहीं, ये भी एक तरीका है आकड़े इकट्ठे करने का और इससे भी बहुत सी बातों का पता चलेगा। Thank you.
चाहेंगे कि कुछ आए हमारा
गरीबों की मदद करने में सरकार का सहयोग कर सके। जरा हमारी भी वसूली है सरकार, इन देश के नौकर साहों को हमारी याद तब आती है जब देश की हालात कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अरे जब बड़ा गुलशन को तो खून हमने दिए और जब बाहर आई तो ये पूछते हमसे जनाब आप चीज क्या। अरे हम बताता हूँ कि संघा कंट्रोल कैसे होगा, हम बताता हूँ। अरे यार ओ माय गॉड, लाइट को भी अभी जाना था। अरे यार जल्दी लाइट का इंतजाम करवा दे। अरे करवा दो ना, जल्दी ऐसे होता है। ओके अरे एक ऐसा है हमारे पास जमीन है, सिविल लाइन से पास की जमीन बता रहा है, जल्दी तबीयत मजदूरी को क्या। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये जो शंकर जी की बारात यहाँ इकट्ठी हो, इन्हीं को अगर डाटा में बंद करा दिया जाए तो सारे धंधे फसाद अपने आप। अरे इन्हें कहे बंद कराते हैं मुझे, इन्हें अपने पत्रकार बंधुओं को बंद कराइए जो ऐसी खबरों पे मसाला लगा लगा कर छापते और दिखाते रहते हैं। मुंशी जी इट्स हॉरिबल, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई फिर भी पता नहीं जर्नलिस्टों की सेंसिबिलिटी को क्या। मैडम आती है ना, जिन्होंने दंगे वाली जगह पर चले हुए मलबे के बीच सूचना अधिकारी की जीप के पीछे से ग्रेट जला कर चिल्ड बियर पी थी, आपको यही लोग इनसेंसिटिव और बेशर्म लग रहे हैं। कीमतें तो बढ़ेगी लेकिन इतना हरामी मैं भी नहीं हूं जो आग में घी का काम करूं। ऐसे असली परिता तो लोकल प्रेस वालों ने लगाया, लेकिन किसी भी नहीं मालूम कि मुस्लिम लीग के झंडे में और पाकिस्तान के झंडे को काट दिया। मुस्लिम लीग के दफ्तर को झंडा फहरा रहा था उस पर उसकी तस्वीर के नीचे कैप्शन दे दिया कि मस्जिद में पाकिस्तानी झंडा फहराया गया। अब बताइए दंगे कौन फहराया, हम या आप। लेकिन फायदा काफी कमाओगे आपके चैनलों ने भी कम नजर है। आजादी के बाद से एक भी दंगा ऐसा नहीं था जिसमें मुसलमान ज्यादा काम आ गए, लेकिन आपका भी हमेशा से यही छापता और दिखाता रहा है जैसे हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। तो कोई आदर्श नहीं, आप लोग इंसानियत के मरने को खबर नहीं बनाते हैं, संप्रदायों को बांटने वाली खबरें बनाते हैं। सबसे तेज सिर्फ हमारे चैनल सनसनी फैलाते हैं। Thank you.
रही है और आगे भी रहेगी कि अपने सामाजिक सरोकारों को भूला न जाए और इन्हीं सरोकारों की कड़ी में हमारा ये नाटक था। मैं चाहूँगा कि अपने नाटक के निर्देशक से आपका परिचय करवाऊँ। राजनारायण दीक्षित। धन्यवाद। शुभ।